हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फॉर टीनएजर्स। अगर आप भी मेरी तरह हेल्दी और ग्लोइंग एंड रेडिएंट स्किन बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं एक अच्छे सोप से। सो आई हैव बीन यूजिंग कोजी केयर स्किन लाइटनिंग सोप। ये सोप आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ओपन पोर को क्लींस करता है, एनर्जीजम वेट करने में भी हेल्प करता है। इसमें है कोजिक एसिड, आर्बिटिन, विटामिन सी एंड विटामिन ई, जो आपके स्किन में जितना भी ऑयल, स्वेट एंड इंप्योरिटीज होती है उसे बाहर निकालता है विदाउट स्ट्रिपिंग ऑफ नेचुरल ऑयल ऑफ आवर फेस एंड प्रोवाइड करवाता है एक नेचुरली ग्लो। यू कैन यूज इट योर फेस एंड बॉडी एज वेल। इट सोर्स ऑन एवरी स्किन टाइप। इट इज अ पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, ग्लूटेन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री। सो दिस सोप लोशन इन्फ्यूज विद नीम टी ट्री ऑयल विच आर नोन फॉर देयर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, गिविंग योर हेल्दियर स्किन। इसे जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसे रिमूव करता है एंड गिविंग योर नेचुरल लाइटर स्किन टोन। ये डेड स्किन की टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करता है जिससे डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं एंड आपको इसे नेचुरली लाइटर स्किन टोन मिल जाता है। द पैक कंटेन 3 बार्स ऑफ सोप इन इट, सो यू कैन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन विद डेली बेसिस। इसके बाद हम फेस को स्टीमिंग देंगे। सो स्टीमिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर हॉट वाटर लिया है और इसमें हैंकी को अच्छे से डिप करूंगी। फेस को स्टीमिंग करने से हमारे जितने भी पोर्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे एंड इसके बाद यूज करेंगे फेस क्रीम, बिकॉज इट कीप्स द मॉइस्चराइजर एंड इलास्टिसिटी इन योर स्किन। दैट्स व्हाई आई हैव यूज कोजिक स्किन लाइटनिंग क्रीम। इस क्रीम में है 7 पावरफुल इन्ग्रीडियंट्स, जैसे कि 3% कोजिक एसिड, 1% अल्फा आर्बिटिन एंड 2% नियासिनमाइड एंड अ लॉट मोर। इट रिड्यूसेस हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट, एक्ने स्कार, एज स्पॉट्स एंड सन स्पॉट्स। सो इट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन एंड कीपिंग योर स्किन सपल एंड मॉइस्चराइज थ्रू आउट द डे। फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज इट ट्वाइस एवरी डे एंड वॉश योर स्किन ट्रांसफॉर्म डे बाई डे। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सो इसके बाद यूज करूंगी मैं नोज टेप, ताकि जितने भी नोज पर व्हाइट हेड होने लगते हैं वो इससे अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे नोज टेप को अप्लाई करूंगी, बट उससे पहले नोज को थोड़ा सा वेट करना होता है और उसके बाद मैं इसे चिपका लूंगी एंड इसी के साथ इसे 15 मिनट के लिए रखना होता है। उसी के टाइम में मैं थोड़ी देर अपनी अपर लिप्स और आईब्रो को सेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ फेशियल रेजर। फेशियल रेजर से छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो आसानी से निकल आते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप अच्छे तरीके से इसे यूज करना है, क्योंकि इससे कट भी लग सकते हैं। सो इससे आपके जो भी अपर लिप्स के हेयर्स हैं, आईब्रोज के हेयर्स हैं, वो निकल आते हैं। सो मैं यहाँ पे आईब्रोज को भी अच्छे तरीके से सेट कर लूंगी। थोड़ी बहुत सेट करती हूँ, ज्यादा मुझे नहीं करने आती है क्योंकि आईब्रोज में कट भी लग जाता है। सो इसी से मैंने इसे यूज करा है। सो यहाँ पे एलोवेरा का यूज करके इसे स्मूथ आउट कर दूंगी और उसी के बाद मैं यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं तो मैं अपनी नोज स्ट्रिप को यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। इस नोज स्ट्रिप में काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी क्योंकि छोटे छोटे जो नोज पर बाल होते हैं वो इसे रिमूव हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। सो इससे मेरे नोज काफी ज्यादा स्मूथ, बहुत ही अच्छा हो गया था और मेरी स्किन भी काफी ज्यादा फ्लॉलेस हो गई थी। सो ये एक स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं सब के बाद फेस को हाइड्रेशन देने के लिए मैं यूज करी हूँ कुकुम्बर स्लाइस। इनको राइस वाटर में 40 to 50 मिनट रखना होता है एंड फेस पर स्लाइस को मैं अप्लाई कर लूंगी। इसे यूज करने से आपकी फेस की स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट, ग्लोइंग एंड रेडिएंट हो जाती है एंड जितने भी डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स होते हैं वो इसे क्योर हो जाते हैं। आफ्टर 5 मिनट रखने के बाद मैं इसे रिमूव कर लेती हूँ और कुकुम्बर स्लाइस को मैं अपने फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरी स्किन काफी ज्यादा रेडिएंट एंड हाइड्रेट हो जाती है। तो आप भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे फेस पैक। मैंने यहाँ पर यूज करा है ग्रीन क्ले मास्क एंड इसमें है एलोवेरा जेल, जो आपकी इरिटेटेड स्किन को सूथ करने में हेल्प करता है। और फ्रेंच ग्रीन क्ले मास्क आपके पोर्स को टाइटन अप करेगा, आल्सो स्टिमुलेट करता है आपके ब्लड फ्लो को और जितनी भी आपकी स्किन में इलास्टिसिटी होती है उसे इम्प्रूव करता है। जितने भी डर्ट एंड स्वेट एक्युमुलेट होती है उसे भी क्लींज कर देता है। तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए अपने फेस पर रखना होता है और उसी के बाद आपको अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश ऑफ कर लेना होता है। आफ्टर दैट मैं यूज कर रही हूँ फेस आइसिंग। फेस आइसिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड रेडिएंट बनाने में हेल्प करता है एंड आइसिंग करने से आपकी स्किन के जो भी पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एंड जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। सो फेस मास्क करने के बाद आपको हमेशा फेस आइसिंग करनी चाहिए। इससे आपके बेनिफिट्स और भी इंक्रीजेस हो जाते हैं एंड आपको और भी इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है। आइसिंग के बाद मैं यूज करूंगी फेस टोनर, जिससे स्किन हाइड्रेट हो जाती है एंड इससे हमारी स्किन का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होता है
और हमारी स्किन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो इसी के बाद मैं यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन का मेन पार्ट होता है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड ड्राइनेस को रिमूव करता है। तो इसीलिए आपको मॉइस्चराइजर का यूज जरूर करना चाहिए। मॉइस्चराइजर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है एंड जो भी आपके स्किन के सेल्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से हाइड्रेट करता है जो आपकी स्किन को ग्लोइंगनेस प्रोवाइड करवाते हैं। सो इसीलिए आपको कभी भी मॉइस्चराइजर को स्किप नहीं करना चाहिए। मॉइस्चराइजर के बाद मैं यूज़ करूँगी कोजी के स्किन लाइटनिंग क्रीम का। इस स्किन में जितने भी मेलानिन प्रोडक्शन होती है उसे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन या एक्ने स्पॉट्स होते हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। इसी के बाद मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स योर स्किन एंड हेल्प्स प्रिवेंट सनबर्न, स्किन कैंसर एंड प्रीमैच्योर एजिंग। तो कभी भी घर से स्टेप आउट होते समय आपको सनस्क्रीन का अप्लाई जरूर करना है एंड डोंट फॉरगेट टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन। इसी के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिप बाम। लिप बाम के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल लिप बाम बोरुलिन। बोरुलिन आपके चैप्ड एंड ड्राई लिप्स को रिपेयर एंड क्योर करने में हेल्प करता है। ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है, इसीलिए आपको भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसी का यूज़ करें। एंड दैट्स इट गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। अगर आप भी ऐसी ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो सभी स्टेप्स को फॉलो करें और किसी को भी मिस आउट ना करें, क्योंकि आप सभी के इफेक्टिवनेस रिजल्ट देख ही सकते हो। सो आप भी इसको ट्राई करना और मुझे जरूर कमेंट में बताना।